करने की जरूरत ही नहीं है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, कुछ नए बंदे होंगे इसमें, है ना, उनको आज थोड़ा पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमारा जो पैसा है वो 101% सेफ है और सिक्योर है। हमारा यहाँ से एक पैसा, एक पाई भी यहाँ से गुम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक्सचेंज के ऊपर पैसा डाल रहे हैं और एक्सचेंज हमारा अपना होता है। क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, उस एक्सचेंज में जब हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें उस एक्सचेंज में अपनी केवाईसी भी देनी होती है। जैसे कि बहुत से लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानते होंगे, उसमें डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है, उसमें पूरी केवाईसी होती है, सारी चीजें अपडेट होती है। सेम ऐसा ही इस एक्सचेंज में है। और हम जिस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं वो एक्सचेंज वर्ल्ड का नंबर वन एक्सचेंज है, जिसका नाम है बाइनेंस। बाइनेंस वर्ल्ड का नंबर वन एक्सचेंज है और इस एक्सचेंज के अंदर सिक्योरिटी के तौर पे अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर हम फंड ट्रांसफर करते हैं या विड्रॉल करते हैं या डालते हैं तो इसमें वेरिफिकेशन होती है सर। कोई सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, इवन रॉयल क्यू भी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, ना कुछ वहां से ट्रांसफर कर सकता। जैसे कि हम जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें चार तरीके की वेरिफिकेशंस होती हैं। चार तरीके की वेरिफिकेशंस में सबसे पहली वेरिफिकेशंस जो होती है किसकी होती है, मोबाइल वेरिफिकेशन। दूसरी ईमेल वेरिफिकेशन, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। और आपको अगर एडवांस में जाना है तो आप अपने आप गूगल ऑथेंटिकेटर लगा सकते हैं, और एडवांस जाना चाहते हैं तो आप इसमें एंटी फिशिंग लगा सकते हैं। यहां तक कि एंटी फिशिंग लगाने से क्या फायदा होगा कि बहुत से लोग डरते हैं कि सर हैक हो जाएगा, हैकिंग हो जाएगी, सर वो भी डर खत्म हो जाएगा फिर। और सबसे बड़ी बात ये जो नया इसने किया है रॉयल क्यू ने, कि वो आईपी एड्रेस, ट्रस्टेड आईपी एड्रेस जो हमें देना होता है जब हम एपीआई अपना क्रिएट करते हैं रॉयल क्यू सॉरी बाइनेंस के अंदर, तो हमें अपना आईपी एड्रेस देना होता है। तो उस चीज की वजह से हम ज्यादा और ज्यादा सेफ्टी और सिक्योर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, हम जब अपना आईपी एड्रेस क्रिएट कर रहे हैं रॉयल क्यू और बाइनेंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, तो हमने देखा है कि वहां पे हम केवल दो ही चीज की परमिशन देते हैं। नंबर एक परमिशन मार्केट को रीड करने की, और मार्केट में भी सिर्फ वो डॉलर ही रीड करता है। इसके अलावा अगर आपका कोई और पहले से कोई एसेट पड़ी हुई हो, कोई बीटीसी हो, कोई इथेरियम हो, कोई बीएनबी, कुछ भी एक्सवाइजेड, अगर आपका कोई एसेट पड़ा हुआ है वो उसे रीड नहीं करता, सिर्फ ये यूएसडीटी को ही रीड करता है। और दूसरी हमने इसे परमिशन क्या दी, दूसरी परमिशन हमने इसको दी है ट्रेड करने की, और ट्रेड भी ये केवल स्पॉट मार्केट में ही करता है, फ्यूचर मार्केट में या फिर मार्जिन मार्केट में करता, फ्यूचर मार्केट में और मार्जिन मार्केट में नहीं करता। इसका बेनिफिट ये हुआ कि हम जो स्पॉट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां कहीं ना कहीं हमारा फंड कभी भी जीरो नहीं होगा, हमारा फंड कभी भी जीरो नहीं होगा। और फ्यूचर और मार्जिन में क्या होता है, बहुत से लोग जानते होंगे और सर बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं कि आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो मार्जिन और फ्यूचर में आपको कंपनी लीवरेज देती है, और आपका वो 100 रुपए आपको 1000 दिखाई देता है। जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो फिर 1000 के हिसाब से होता है, 100 रुपए के हिसाब से नहीं होता। अगर 10% भी आपका प्रॉफिट आ गया तो खुश हो गए, 100 रुपए मिल गए, लेकिन जहां 10% माइनस चला गया ना, तो आपका अकाउंट टोटली जीरो, इवन माइनस में भी जा सकता है। तो ये होता है मार्जिन और फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन स्पॉट में क्या होता है, जितना आपके पास पैसा है उतना ही आप माल खरीद रहे हो, जितना आपके पास पैसा है उतना ही माल खरीद रहे हो, उससे ज्यादा का नहीं खरीद रहे हो। कल की डेट में अगर वो रेट डाउन भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो क्वांटिटी है वो उतनी ही रहेगी, आपकी सिर्फ वैल्यू डाउन हो जाएगी। हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितनी क्रिप्टो हमारे सामने ऐसी हैं कि जो कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुकी हैं। और यहाँ पे यूएसडीटी में ट्रेडिंग करते इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ऐसे कॉइन्स देख रहा हूँ और ऐसी ट्रेडिंग देख रहा हूँ कि मुझे एक ही कॉइन दिन में कम से कम 20 बार प्रॉफिट दे देता है। ऑटोमेटा एग्जाम्पल के तौर पे कॉइन है, उसने मुझे 20 बार प्रॉफिट दिया। AVX एक ही दिन में उसने मुझे 25 बार प्रॉफिट दिया। मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, अपने बिजनेस में बिजी हूँ, अपनी जॉब में बिजी हूँ, कुछ भी XYZ में कर रहा हूँ, मुझे उसको देखने की या बार बार कमांड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रॉयल क्यू ऐसा सिस्टम है जो सब कुछ सारे काम अपने आप कर रहा है, जो हमने उसको सेटिंग दी है उसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं रॉयल क्यू की। रॉयल क्यू सर एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक सॉफ्टवेयर है। रॉयल क्यू एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक सॉफ्टवेयर है जो आपके लिए आपके बाइनेंस के ऊपर कनेक्ट होकर आपके लिए काम करता है, यानी कि आपके लिए ट्रेडिंग करता है। हमें सिर्फ क्या करना होता है, इसके अंदर सेटिंग्स देनी होती है।
और सबसे अच्छी बात क्या है रॉयल क्यू की, कि रॉयल क्यू एक सेमी ऑटोमेटेड मशीन है, रोबोट है, फुली ऑटोमेटेड नहीं है। इट मींस कहीं ना कहीं हमारा भी अधिकार रॉयल क्यू के ऊपर है। मतलब जब मैं रॉयल क्यू को कमांड दूंगा, जब मैं रॉयल क्यू को कमांड दूंगा तो ही वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। जब मैंने कमांड दी, जो मैंने कमांड दी, जो उसको मैंने सेटिंग दी प्रॉफिट की, और नीचे अगर मार्केट आ रही है, जो स्ट्रेटजी है मार्टिंगल स्ट्रेटजी, उसके अकॉर्डिंग जो उसको मैंने सेटिंग दी, वो उसके हिसाब से काम कर रहा है, अपने आप वो कुछ नहीं कर रहा है। और सबसे प्लस पॉइंट इसमें और क्या अच्छी बात है कि इसके अंदर स्टॉप लॉस का झंझट ही नहीं है। इट मींस देयर इज नो कमांड ऑफ लॉस। रॉयल क्यू के अंदर लॉस की कमांड नहीं है। आपका कॉइन अगर 5% डाउन आ गया, 10% डाउन आ गया, इवन अगर 30% तक भी डाउन आ गया, तो भी ये आपके उस कॉइन को नहीं बेचेगा, क्योंकि इसके अंदर जो कमांड है सिर्फ प्रॉफिट की है। जब वो प्रॉफिट में जाएगा तो ही उसको बेचेगा, भले से उसे एक दिन लगे, दो दिन लगे, एक हफ्ता लगे, जो भी टाइम लगेगा, लेकिन उसको बेचेगा नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि स्पॉट मार्केट में कभी भी हमारा फंड जीरो नहीं होता। तो सर, हेलो डोले जी, हेलो हेलो डोलिया जी, शायद सर जो है कह रहे थे जैसे कि नहीं है, आज वो ले नहीं पाएंगे। तो सर रॉयल क्यू एक सेमी ऑटोमेटेड बॉट है, लॉस की कमांड इसमें नहीं है, और हमेशा जो है लो पे बाय करता है और हाई पे सेल करता है। ये बड़ी अच्छी बात है, लो पे बाय करता है और हाई पे सेल करता है। यानी कि अगर आपने कोई कॉइन 100 रुपीज पे या $100 पे बाय किया, वहां से वो जो हमने उसको प्रॉफिट की सेटिंग दी, वो वहां से ऊपर गया। लेट्स से एग्जांपल हमने 2% की सेटिंग दी, तो जैसे वो 2% जाएगा तो रॉयल क्यू रेडी हो जाएगा उसको बेचने के लिए, यानी कि प्रॉफिट बुक करने के लिए, लेकिन उसको वो बेचेगा नहीं। क्योंकि अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटिन्यू ऊपर चढ़ रहा है प्रॉफिट में, जैसे मैं आज की बात बताऊं, आज भी जो है AVX कॉइन काफी एकदम से ऊपर चढ़ा है, तो कंटिन्यू उसे ऊपर चढ़ने देगा। इसमें एक सेटिंग और है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल बैक, प्रॉफिट कॉल बैक। इट मींस वो भी हमने सेटिंग दे रखी है 0.2, 0.3, जो भी आप देना चाहते हो दे सकते हो, कि जैसे ही वो कंटिन्यू ऊपर चढ़ के हल्का सा 0.2 या 0.3 नीचे आएगा, तब वो उसको सेल करता है और फिर तुरंत वहीं पे बाय भी कर लेता है। इसकी अच्छी खासियत ये भी है, बहुत से लोग कहते हैं कि सर ये वहीं पे बाय कर लिया इसने, उससे क्या फायदा हुआ, उससे फायदा क्या हुआ? सर उससे फायदा ये हुआ, हमने जो कमांड दी थी उस कमांड को इसने पूरा किया, ठीक। अब वहां से अगर कॉइन ऊपर चला जाता है तो दोबारा से उसे सेल करेगा, वहां से अगर कॉइन ऊपर चला जाता है तो दोबारा से उसको सेल करेगा, और वहां से अगर नीचे आता है तो सर और बाय करेगा। कितना बाय करेगा, ये सब इसके अंदर सेटिंग्स हैं, है ना, मार्जिन कॉल बैक्स की इसमें कुछ सेटिंग्स हैं कि 3.5%, वो सब एडिट हो सकती है। आप चाहो तो उसमें 4% डाल लो, 5% डाल लो, वो सब एडिटिंग है। तो नॉर्मली जो इसमें है बाय डिफॉल्ट वो 3.5% है फर्स्ट कॉल के। अगर मार्केट 3.5% टूटती है, यानी कि पर्टिकुलर कॉइन जो हमने लगाया है 3.5% अगर टूट गया नीचे, तो वो हाँ उसको दोबारा से बाय करेगा, लेकिन 2 टाइम बाय करेगा। इट मींस अगर पहला ट्रेड बाय डिफॉल्ट $10 का इसने उठाया था, तो सेकेंड टाइम ये $20 का उठाएगा। जब ये $20 का उठाएगा, अगर वहां से ऊपर चला गया तो हमारी एवरेज हो गई थी, जाहिर सी बात है। वसीम सर मैं रुकूंगा थोड़ा सा, क्या पीपीटी खोल के दिखला पाना पॉसिबल है या मैं खोल दूं आपके लिए? वेट सर, मैं खोल लेता हूं, एक बार ट्राई करता हूं दोबारा से। एक्चुअली मैं थोड़ा सा वेट मिनट मेरे पास सर वो पीपीटी नहीं है जो आपके पास है, मेरे पास दूसरे टाइप की पीपीटी है, तो इसलिए एक मिनट सर, डॉक्यूमेंट्स में मैं ट्रैक खोल दूं अगर प्रॉब्लम हो रही तो। एक मिनट सर, यहां से आ जाएगी जल्दी। हम लोग तो सर आपको डाल ही रहे हैं।
मेरे पास ये दूसरी पीपीटी जो आपके पास है वो नहीं है। चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी पीपीटी से बता सकते। हम परिचित नहीं, कभी टकराए नहीं। हम नहीं टकराया सर, ऑफिस से दिक्कत नहीं है। इस संदर्भ में उस टाइम सब कोई लगता है मनी मार्केट का प्रोग्राम चल रहा है। मनी मार्केट काम करते नहीं है। प्रशांत सर चलो मैं खोल दे रहा हूँ। अब आप कर लीजिए सर, ये थोड़ा होपलेस हो गया। मैं चल रहा था उसी में, हम भी बैठे थे। नहीं हम कोई मनी मार्केट ये नहीं। आदमी से बहुत बहस हुई, मेरे मित्र हैं, बड़े अधिकार से फोन किया। अब चालू करें, दिखला तो बात कर सकते हैं। 15 यहाँ पे हेलो गाइस, दोस्तों यहाँ पे जो हमारे सामने स्क्रीन जो शेयर हो रही है, ये सामने हमारे मार्टिंगल स्टेट जी है। मार्टिंगल स्टेट जी जो है, जैसे यहाँ पे ऊपर और भी लिखा हुआ है कि रॉयल की और बाइनेंस जो है जो ट्रेडिंग होती है स्पॉट में होती है, तो मार्टिंगल स्टेट जी थोड़ा सा मैं डिफाइन करना चाहूंगा। ये इसको हम डॉलर कॉस्ट वसीम सर जैसे आप लेते हैं वैसे ले लें, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दें। आप अपने फ्लो में बहते ना, छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों ये जो है रॉयल क्यू और बाइनेंस का मैंने आपको बता दिया, ठीक है सर। यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि रॉयल क्यू हमें जो सर्विस दे रहा है, जो सब्सक्रिप्शन उसका फीस है वो $100 है, और $100 के अलावा रॉयल क्यू हमारे प्रॉफिट से भी, क्योंकि पैसा हमारे बाइनेंस पे रखा हुआ है और जो उस पैसे पे हमें डेली प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट से भी रॉयल क्यू 20% का भागीदारी है। इट मींस यहाँ पे 80-20 का रेशियो यहाँ ये फॉलो करता है। जितना भी प्रॉफिट होगा, लेट्स एग्जांपल अगर मुझे $100 का प्रॉफिट हुआ, तो उस $100 में से $20 रॉयल क्यू का पार्ट है। तो अब ये $20 हमारे प्रॉफिट से कैसे लेगा, सवाल ये उठता है कि रॉयल क्यू बाइनेंस से कैसे ले सकता है जब उसको अथॉरिटी नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल अथॉरिटी नहीं है, वो नहीं ले सकता। इसीलिए इसकी अपनी एक पॉलिसी है कि ये एडवांस में एज अ फ्यूल फीस हमसे एसेट में रखवाता है। आप अपने फंड के हिसाब से इसमें फ्यूल फीस रख सकते हो। जैसे कि बहुत से लोग ज्यादातर $20 रखते हैं, बहुत से लोग ज्यादा भी रख सकते हैं। जिनका फंड ज्यादा होगा, हो सकता है कि उनका जो ये $20 है वो एक ही ट्रेड में उड़ जाए, एक ही ट्रेड में जीरो हो जाए, तो उन्हें ज्यादा भी रखना पड़ेगा। क्योंकि जितना हमें प्रॉफिट होगा उसका 20% रॉयल क्यू ने लेना है, और जब वो 20% ले लेगा, यानी $20 उसने ले लिया, तो हमें दोबारा से उसे चार्ज करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा। और ये पर ट्रेड के हिसाब से लेता है। लेट्स एग्जांपल, अभी हमने कोई कॉइन लगाया और उस कॉइन पे हमें $2 का प्रॉफिट हुआ, तो $2 का 20% यानी कि 0.20 ये तुरंत उसी टाइम वहां से काट लेगा जो हमने यहाँ पे फ्यूल फीस रखी हुई रॉयल क्यू के पास। तो वो इस तरीके से वो 20% हमसे चार्ज ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। और ये तो सर रॉयल क्यू और बाइनेंस का हो गया। अभी मैं बात करता हूँ, इसके अंदर एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, और जिस किसी ने भी उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझ लिया, वो यहाँ से बहुत ही जबरदस्त पैसा कमा के जाएगा। हमारे सामने काफी एग्जांपल्स भी आ चुके हैं इंडिया के अंदर। तकरीबन 2 से 2.5 महीने सिस्टम को हो चुके हैं, और 2 से 2.5 महीनों में इंडिया हमेशा हर काम में आगे रहता है, तो यहाँ पे भी इंडिया ने अपना परचम आगे बढ़ाया और बहुत जल्दी यहाँ से V2, V3, V4 और V5 तक आ चुके हैं इंडिया के अंदर भी। तो जैसे इसका जो सिस्टम है MLM की हम लोग बात कर रहे हैं अब, जिसको हम लोग चैन सिस्टम भी बोलते हैं। बहुत से लोग चैन सिस्टम के नाम से डर जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इनडायरेक्टली हम अपनी जिंदगी हमेशा कुछ ना कुछ चैन बनाते रहते हैं हमेशा। जितने भी बड़े करोड़पति लोग आप देखेंगे, सबकी चैन है, सबके पास नेटवर्क है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं सिर्फ कम्युनिकेशन इंडस्ट्री का, हम अपने मोबाइल्स में जियो का फोन यूज करते हैं, एयरटेल का फोन यूज करते हैं, सिम यूज करते हैं, या और किसी दूसरी कंपनी का सिम यूज करते हैं,
तो ये देखिए सर, वो जो कंपनी हमें सर्विस दे रही है उसका, उसके पर नेटवर्क है ना, नेटवर्क है, और हम हर महीने चार्ज कराते हैं। सैलरी हमारे पास बाद में आती है, पहले हम सोचते हैं कि यार हमें अपने मोबाइल का रिचार्ज करवाना है, वो खत्म होने वाला है। तो हर महीने हमारी जेब से, हमारी पॉकेट से 150 रुपए या फिर 200 रुपए हमेशा जाता रहता है। तो उन कंपनियों का नेटवर्क है, इसीलिए आज उनके पास इतना पैसा है। हमें भी क्या करना है, यहाँ पे अपना नेटवर्क बनाना है अगर हम बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। वो कहा भी है किसी ने कि जिसके पास जितनी बड़ी टीम होगी उसका उतना बड़ा बिजनेस होगा, उतना पैसा होगा, उतना वो रिच होगा। तो यहाँ पे जो इसका MLM सिस्टम है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ अभी, PPT के जरिए नहीं कर रहा हूँ, ओरली कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है सर, ये जो $100 हमसे रॉयल क्यू ने लिए हैं, जो $100 हमसे रॉयल क्यू ने लिए हैं, एक साल का जो सब्सक्रिप्शन है, ये सर 100 सारे अपने पास नहीं रखता, उसमें से केवल वो $30 प्योर प्रॉफिट अपने पास रखता है, बाकी $70 वो टीम में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इट मीन्स वो पूरे साल का जो चार्ज है हमारा केवल $30 का है, ज्यादा का नहीं है, केवल 30 का है, क्योंकि 70 तो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टीम में। और जो 20% प्रॉफिट का जो पार्ट ले रहा है रॉयल क्यू सर, उसमें से भी रॉयल क्यू टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कैसे कर रहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर हमारे यहाँ रॉयल क्यू के अंदर क्या है, 6 रैंक्स हैं, यहाँ पे रैंक के हिसाब से चलते हैं, आप उसे लेवल से भी समझ सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे इसको रैंक बोलते हैं। जैसे V1 रैंक, V2 रैंक, V3, V4, V5, V6, हमारे पास ये 6 रैंक के हैं। इस रैंक के ही हिसाब से हमें ये जो $70 जो डिस्ट्रीब्यूट होता है टीम में, इसके हिसाब से होता है। ऑटोमेटिकली जब कभी कोई बंदा रॉयल क्यू में अपना एक्टिवेशन करता है, वो ऑटोमेटिकली V1 रैंक पे है, यानी कि वो फर्स्ट लेवल पे है। ऑटोमेटिकली जब कभी भी वो बंदा अपने रेफर कोड से किसी को ज्वाइन करवाता है, तो सीधा उसे $30 यानी कि 30% मिलता है। सर स्टार्टिंग से ही 30% इज अ वेरी बिग अमाउंट, वेरी बिग मार्जिन, बहुत अच्छा मार्जिन है 30% का, कि आपने किसी एक को जोड़ा और आपको $30, यानी कि इंडियन की INR की अगर मैं बात करूं तो 80 का एवरेज मैं मान के चलता हूं, रेट ऊपर नीचे होता रहता है, 77 के आसपास का रेट चल रहा होगा, लेकिन मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए 80 रुपीज का मान के चलता हूं, तो 80 रुपीज इंटू 30 लगभग 2400 रुपए कमा लेता है आदमी एक दिन में। और अगर आपने दिन भर में 10 ID लगा दी सर, $300 हो जाता है, $300 का मतलब 24,000 रुपए एक दिन में। सर ये पावर है रॉयल क्यू की। तो V1 रैंक पे बंदा होता है, जब भी वो अपने कोर्स से किसी को ज्वाइन कराता है तो वो 30% लेवल पे होता है, तो उसको $30 पर आईडी का मिलता है। इसके अलावा जो प्रॉफिट रॉयल क्यू ने लिया 20%, उस 20% में से भी 4% आपको मिलेगा। ये जो इनकम है ना सर, 4% जो मैं बता रहा हूँ आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट की, सर ये बहुत ही जबरदस्त इनकम है, क्योंकि आप सब समझ सकते हो क्रिप्टो का जो ट्रेंड है ये अब कभी बंद नहीं होने वाला, ये जिंदगी भर चलता रहेगा। जब तक इंटरनेट दुनिया में रहेगा क्रिप्टो करेंसी रहेगी, और जब क्रिप्टो करेंसी रहेगी तो ट्रेडिंग होती रहेगी, जब ट्रेडिंग होती रहेगी तो हमें हमारी टीम से 4% आता रहेगा। सर ये बहुत बड़ी पैसिव इनकम, बहुत ही बड़ी पैसिव इनकम है। सर अब बात आती है कि V1 से जब आप V2 बन जाओगे तो आपका जो परसेंटेज लेवल है वो हो जाएगा 40%। मतलब ये कि अब आपको पर डायरेक्ट का मिलेगा $40। अभी तक कितना मिल रहा था आपको एक डायरेक्ट से, $30 V1 लेवल पे। जब आप V2 बन जाओगे तो अब आपको पर डायरेक्ट से मिलेगा $40। अब सवाल होता है कि सर V1 से V2 बनना कैसे है, ये मैं लास्ट में बताऊंगा इस चीज को, पहले मैं डिफाइन करूंगा कि हाँ हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब और V2 लेवल पे जो ट्रेडिंग प्रॉफिट का जो परसेंटेज है आता है 6%, यानी कि अब हमें 6% मिलेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट का। V2 से जब V3 बन जाते हैं तो हमारा परसेंटेज लेवल है 50% का, यानी कि हर डायरेक्ट से हमको मिलेगा $50, और ट्रेडिंग प्रॉफिट का मिलेगा हमें 8% मिलेगा। जब हम V3 से V4 बन जाते हैं तो हमें मिलेगा 60%, यानी कि $60 पर डायरेक्ट का, और 10% ट्रेडिंग प्रॉफिट का। जब हम V5 बन जाते हैं तो V5 पे हमें मिलता है 65%, यानी कि $65 पर डायरेक्ट का, और 11% ट्रेडिंग
प्रॉफिट का। अब लास्ट रैंक है V6। सर ये बहुत ही जबरदस्त रैंक है, मैं तो हर किसी को यही कहूंगा कि सबका टारगेट V2 V3 V9 सीधा V6 होना चाहिए, बशर्ते कि सब स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे, लेकिन सर टारगेट बड़ा होगा तो ही हम उसे अचीव कर पाएंगे। V6 का टारगेट अगर आपने ले लिया, और जब भी आप किसी भी बंदे को अपने रेफर कोड से जॉइन कराओगे तो यहाँ आपको अच्छी इनकम होने वाली है, यानी कि जो $100 वो बंदा एक्टिवेशन के लिए दे रहा है ना सर, उसमें से पूरे $70 आपको मिल रहा है, किसी और को नहीं जा रहा है, पूरा का पूरा $70 आपको मिल रहा है। 30% जो $30 रॉयल्टी का प्रॉफिट है, प्योर प्रॉफिट, वो उसे अपने पास रख रहा है, और ट्रेडिंग प्रॉफिट का V6 लेवल पे आपको मिलता है क्या 12%। सर आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपने कितने डायरेक्ट लगा दिए, आपकी कितनी टीम बन गई, और उसमें अगर आप ट्रेडिंग प्रॉफिट का ही अगर देखोगे ना सर, तो यहाँ आपको बहुत बड़ी इनकम मिलती है। ये सर हमारा एक चार्ट था जो मैंने आपको डिफाइन किया। अब जो मैंने कहा था कि जो हमारी रैंक है, रैंक की क्वालिफिकेशन क्या है, हम कैसे अचीव करते हैं रैंक को, सर रैंक को अचीव करने का बहुत ही इजी सिस्टम है, सर V1 आप ऑटोमेटिक थे, V1 से V2 बनने का जो क्वालिफिकेशंस है वो बहुत सिंपल है कि आपको अपने रेफर कोड से 3 बंदों को डायरेक्ट करना है, और आपकी टोटल टीम साइज होनी चाहिए कितनी सर 20। सिर्फ 20 टीम साइज में आप V1 से V2 बन जाते हो। आपको देखना है कि हाँ कौन एक्टिव है, कौन कितना आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन कितना तेज चल रहा है, आप उनका हाथ पकड़िए, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क बहुत मायने रखता है। अगर आप उन तीनों में अपनी टीम में से किसी को V2 नहीं निकाल के लाओगे, आप V3 नहीं बन सकते। बड़ा अच्छा सिस्टम है कि आपको अपनी टीम को साथ लेके ही चलना होगा, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे V3 बनने के लिए आपको 5 डायरेक्ट चाहिए, प्लस आपको 3 V2 चाहिए, प्लस टोटल टीम साइज आपका होना चाहिए 100 का, यानी कि 100 बंदों की टीम आपकी बन जाएगी, और आप यहाँ पे V3 बन गए। अब V3 से V4 बनने की जो कंडीशन है वो है 8 डायरेक्ट, आपके रेफर कोड से 8 बंदे डायरेक्ट होने चाहिए, और आपके नीचे 3 V3 होने चाहिए। जैसे आप V3 बने थे, अब आप अपनी टीम में से 3 V3 निकाल के लाओ अपने साथ में, और आपकी टोटल टीम साइज होनी चाहिए 300 बंदों की, आप बन जाते हो V4। अब V4 से V5 बनने की जो कंडीशन है वो है सर 12 डायरेक्ट। V4 से V5 बनने की जो कंडीशन है वो है 12 डायरेक्ट प्लस 3 V4 चाहिए आपको, प्लस 800 बंदों की टीम होनी चाहिए, टोटल टीम आपकी 800 बंदों की होनी चाहिए, आप बन जाते हो V5। अब V5 से V6 बनने की जो कंडीशन है वो है 20 डायरेक्ट। कितने सर 20 डायरेक्ट आपकी टीम में आपके रेफर कोड से होने चाहिए, प्लस 3 V5 आपकी टीम में आपके साथ होने चाहिए, और टोटल टीम साइज अब सर कितना भी हो अनलिमिटेड, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1500 का, लेकिन कुछ भी हो सकता है अनलिमिटेड, आप यहाँ पे V6 बन जाओगे। ये हमारा सर स्ट्रक्चर था, बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ये स्ट्रक्चर हमारा है। इसके अलावा इसमें 2 इनकम और है जो मैंने आपको नहीं बताई, वो इनकम जो है एक पेयर रिवार्ड आपको लेवल 3 से मिलना स्टार्ट हो जाता है, और जो ग्लोबल रिवार्ड है वो आपको लेवल 6 पे, यानी कि रैंक 6 पे पहुंचने के बाद आपको मिलता है। यहाँ पे ये सर हमारा जो है MLM का प्लान हो चुका है कंप्लीट, और मैं अपनी तरफ से ये चीज कहना चाहूंगा, बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल होता है, ये क्वेश्चन होता है कि सर सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, चला जाएगा, भाग जाएगा, है ना, फिर क्या होगा? सर कुछ नहीं होगा। ये देखिए कि आपका फंड कहाँ पर सेफ है, आपका फंड आपके बाइनेंस एक्सचेंज पर सेफ है, क्योंकि आपने फंड बाइनेंस पे रखा हुआ है, रॉयल क्यू पे नहीं रखा हुआ। रॉयल क्यू को तो सिर्फ आपने सर्विस देने के लिए उसे खरीदा है, कितने दिए आपने उसे, या मैंने उसे $100। अब सर एक बार बताइए मुझे, जो लोग सोचते हैं अपने जहन में कि ये भाग जाएगा, चला जाएगा, सर क्यों जाएगा, क्या रीजन हो सकता है? या जितनी भी कंपनी है, मैंने भी की है, आप लोगों ने भी की है, जो कंपनी गई है ना, लॉस हो गया, ये हो गया, क्यों हुआ है सर?
क्योंकि अभी तक क्या था कि हर सिस्टम के अंदर हम अपना पैसा दूसरे की जेब में, दूसरे के अकाउंट में डालते थे। अब उसकी मर्जी वो हमें पैसा दे ना दे, नंबर एक। हमारा ही पैसा वो आरओए के रूप में हमें दे रहा है, 10,000 रुपए मैंने किसी को दिए, वो मेरा ही मुझे जो है 50 रुपए करके दे रहा है, 100 रुपए करके दे रहा है। एक लिमिट तक उसने मुझे दिया और उसके बाद जब उसका टाइम खत्म होने वाला हुआ तो वो निकल लिया, क्योंकि उसे अपनी जेब से देना पड़ता है। फिर जब तक उसके पास पैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जब उसे लगता है कि मुझे जेब से देना पड़ेगा, निकल लेता है। लेकिन रॉयल क्यू में ऐसा नहीं है, क्योंकि रॉयल क्यू हमें कोई कमिटमेंट नहीं करता, कोई गारंटी नहीं देता कि आप मुझे $100 दो मैं आपको 200 दूंगा, नहीं करता। सिंपल बोलता है, सीधा बोलता है कि $100 जो आपने दिए हैं वो सर्विस के लिए दिए हैं, और उसमें से $30 वो प्योर प्रॉफिट अपनी जेब में रख रहा है। सर एग्जांपल आप अपने ऊपर ले लीजिए, अपनी बिजनेस का ले लीजिए। अगर आपके बिजनेस को कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है $30 का, क्या सर आप अपनी दुकान या अपना बिजनेस बंद करोगे? नहीं करोगे सर, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करोगे। मैं तो सर खासकर नहीं करूंगा, अगर मुझे कहीं से परमानेंट इनकम आने वाली है मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। और सर जो प्रॉफिट आ रहा है 20% जो टीम को भी बांट रहा है, तो सर रॉयल क्यू के पास वहां से भी सेव हो रहा है, तो सर इसके पास तो इनकम ही हो रही है ना, इनफ्लो है फंड का, आउटफ्लो तो है ही नहीं, कहीं पे कोई आउटफ्लो है नहीं है, सिर्फ इनफ्लो है। जब फंड उसके पास कंटिन्यू आ रहा है सर, वो नहीं जाएगा कभी जिंदगी में, नहीं जाएगा। एक अच्छी बात सर, बहुत से लोगों ने सोची होगी, बहुत से ने शायद नहीं सोची होगी, मैं बता देता हूं, अभी 1,00,000 से ज्यादा डाउनलोड्स आ चुकी हैं रॉयल क्यू की, ठीक है सर। अभी ये मानो कि बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है कि आने वाले टाइम पे 10,00,000 डाउनलोड्स आ गई, और उसके बाद अगर डाउनलोड्स नहीं भी आती, यानी कि एक्टिवेशन नहीं होते, अव्वल तो कोई रुकेगा नहीं, लोग बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन फिर भी सर एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं समझाने के लिए, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मुझे मालूम है कि हर साल मेरे पास 10,00,000 यूजर्स हैं मेरे, जब 10,00,000 यूजर हर साल रिन्यूअल करेंगे, तो सर मेरी इनकम तो सर हमेशा बढ़ी रहेगी ना, मेरी इनकम तो कम नहीं होगी। तो यहाँ डिपेंड क्या करता है, यूजर्स के ऊपर, यूजर्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो जब यूजर्स ज्यादा रहेंगे तो प्रॉफिट भी हर साल उतना ही ज्यादा रहेगा। और सबसे अच्छी बात उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने नेटवर्किंग करके अपना बेस बनाया, अपने क्लाइंट्स बनाए, और वही जब रिन्यूअल करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबकी इनकम सर आसमान छुएगी, आसमान। तो सर ये मेरी तरफ से जो है था, किसी भाई का कोई सवाल हो तो कोई मालूम कर सकता है सर। रोशन जी, हेलो। हाँ जी वसील जी, हेलो। सर सर मेरी तरफ से हो चुका है, सर मेरी तरफ से हो चुका है। ओके ओके, थैंक यू शंकर सर। यस यस रोशन सर बोलिए। आप लेंगे 5 मिनट 10 मिनट? यस यस, मैं मेरा शेयरिंग ले लेता हूँ रोशन सर, ठीक है? आप शेयरिंग ले लीजिए तो मैं 10 मिनट फ्री हो लेता हूँ। यस यस, आप हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर घारपंडे नागपुर से। मेरा ज्वाइनिंग को आज के डेट में 80 दिन हो गए और एक अच्छा खासा इनकम अर्न हुआ है, V4 रैंक कैरी कर रहा हूँ। दोस्तों मुझे ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस ऑलरेडी 4 साल से है, जब से ये रोबोट मैंने देखा 30 मई को, इसको मैंने प्लान को पूरा देखा और देखने के बाद मुझे क्लियर हो गया कि ये बहुत अच्छे से काम करता है, तो मैंने मेरा फंड बढ़ाना चालू कर दिया और टीम के तरफ भी ध्यान दिया, ठीक है। जैसे रोबोट को मैंने फंड लगाया तो मैंने कभी भी रोबोट को खिलाफ छेड़छाड़ नहीं किया, उसको जैसा वो उसका नेचर है वैसा उसको काम करने दिया, और एवरेज देखा जाए तो मुझे 13% लास्ट 80 दिन का प्रॉफिट हुआ है। अगर 13% हम लोग देखते हैं महीने का 13%, तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है ट्रेडिशनल बिजनेस के हिसाब से। मैं आपको शेयर भी करूंगा लास्ट में। सेकंड चीज दोस्तों, ये प्लान में मुझे ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। रोशन जी मेरा आवाज क्लियर है, एक बार कंफर्म करें। सर मेरा आवाज क्लियर है? यस सर, भैया का आवाज क्लियर है। ओके गुड। हाँ नहीं आवाज, तो दोस्तों मुझे एक बार ये चीज बहुत अच्छे से, हाँ मैं जहाँ पे वो नेटवर्क यहाँ बराबर नहीं है इसलिए मैं बोला, मैं हॉस्पिटल में आया हूँ तो प्लीज मेरा आवाज। मैं क्लोजिंग करता हूँ। हाँ हाँ क्लोजिंग करिए, ठीक है ठीक है, ओके। फ्रेंड्स मेरी आवाज आ पा रही है आपको?
प्लीज मुझे कंफर्म करें सकल भाई मेरी आवाज आती है आपको? हेलो शंकर भाई, क्या मेरी आवाज आ पा रही है या मेरा नेटवर्क इश्यू है? आई थिंक मेरा ही कुछ नेटवर्क इश्यू है, क्लियर है साउंड? ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, रॉयल क्यू एक ऐसा बिजनेस है जहां पे इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के अंदर हर बंदा ट्रेडिंग करके इजी वे में पैसा बना पा रहा है। सबसे बड़ी बात है, ट्रेडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना तो किसी के लिए आसान है ना किसी के लिए मुश्किल है, बट प्रॉब्लम ये होती है ट्रेडिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जो ना तो हर किसी के पास है। बट रॉयल क्यू ने सच पूछिए जो ट्रेडिंग को आसान बना दिया आपकी लाइफ में, और हर बंदा, एक छोटा से छोटा बंदा बिना कोई टाइम दिए डेली का आधा परसेंट से 1% निकाल पा रहा है आज के मार्केट में, जबकि मैं हमेशा कहते आया हूं कि ऑन एन एवरेज मिनिमम 7% 7-70% तक प्रॉफिट ले सकते हैं आप। यानी अगर मार्केट खराब रहे तो आप ये एक्सपेक्टेशन ना रखिए कि आधा परसेंट ही आएगा, हो सकता है अगर आपको महीने का 7% भी आए, हो सकता है महीने का 5% भी आए, लेकिन आपके बैंक में जो FD रखा हुआ है, जो बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, उससे कई गुना ज्यादा पैसा आने वाला है। कहने का तात्पर्य मेरा दोस्तों ये है, रॉयल क्यू के थ्रू काफी लोगों की जिंदगियां चेंज हुई हैं और होने जा रही हैं। अब आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपका डिसीजन क्या होता है, क्या आप सोचते रहेंगे, क्या आप देखते रहेंगे तब तक जब तक आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में पति ना पैदा हो जाए, करोड़पति ना पैदा हो जाए, जब तक चार लोग आपको अगर जगाएंगे नहीं तब तक जागेंगे नहीं। दोस्तों, अभी भी वक्त है जगने का, नींद छोड़ने का, क्योंकि आज तक हमने किसी भी सिस्टम में काम किया है हमेशा दूसरों को पैसा दिया है बेवकूफ बने, पहली बार अपना पैसा अपने हाथ में रख के, अपने कंट्रोल में रख करके अगर पैसा आ रहा है उसके बाद भी हम एनालिसिस करने पे लगे हुए हैं, तो सर एनालिसिस करते करते पैरालिसिस मार देगा, जो सच्चाई है। जो ज्यादा एनालिसिस करते हैं, फैक्ट ये है कि उनको पैरालिसिस मार देता है। तो एनालिसिस को करना छोड़ करके लग जाइए। आज मैं अपनी बात करता हूं दोस्तों, 1 जून को मैंने स्टार्ट किया था ये जर्नी, लगभग 2.5-3 महीना होने जा रहा है, और आप सभी को एक गुड न्यूज दे दूं, आज सुबह ही मेरा V4 क्लियर हुआ और आज से मेरा पे आउट पर डे का 50,000 रुपया हो चुका है। एक आम आदमी जो महीने का 50,000 नहीं कमाता था, वो आज डेली का 50,000 कमा रहा है। मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? जरूरत है पता किस चीज की? जरूरत है डेडिकेशन की, जरूरत है समर्पण की, जरूरत है एकदम लगे रहने की। जब आप लगातार समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ लग जाएंगे, यकीन मानिए लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हर्डल्स आएंगे, परेशानियां आएंगी, लोग नेगेटिव बोलेंगे, हर जगह होता है, हर बिजनेस में होता है। जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तब भी आपको 10,000 की जॉब के लिए 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50,000 की जॉब के लिए जाते हैं तो 100 क्वेश्चन 1,000 क्वेश्चन होते हैं, और जब 1,00,000 की जॉब के लिए जाते हैं तो क्वेश्चन उतने ही हार्ड होते हैं, उतने ही रिजेक्शन झेलने पड़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ 1,00,000 रुपए डेली कमाने की बात हो रही है, तो आप सोचिए कितने क्वेश्चन, कितने रिजेक्शन झेलने हैं। अगर आप इसके लिए रेडी हैं, यकीन मानिए यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आज क्वेश्चन आंसर सेशन भी नहीं लेंगे हम। कल का जो हमारा सेशन है वो मेरा सेमिनार है, 9 बजे से है। कल 8 बजे की मीटिंग कैंसिल होकर के 9 बजे हम लोग मेगा सेमिनार में मिलेंगे। कल हम लोग 9 बजे के मेगा सेमिनार में मिलेंगे, जो पूरे इंडिया का मेगा सेमिनार होने जा रहा है, जहां पे सारे अचीवर आपको मिलने जा रहे हैं, और जहां पे कल का प्रेजेंटेशन मेरा ही रहेगा, जहां पे मैं आपके साथ रहूंगा, बाकी सारे अपलायंस साथ में रहेंगे, मुरली मोहन जी रहेंगे, शंकर घर पांडे जी रहेंगे, जीवन मालवीय जी रहेंगे, काफी लोग रहेंगे। तो आज हम लोग ब्रेक करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा भी बिजी शेड्यूल है, और आज के लिए सॉरी दोस्तों, लेकिन कल के सेशन को मिस मत कीजिएगा। कल का सेशन ठीक 9 बजे स्टार्ट होना है, 1,000 लोग की कैपेसिटी, और मुझे पता है ये हाउसफुल हो जाएगी, तो बेटर है 8:55 में ही अपनी सीट पकड़ ले। एंड नाउ, क्या 1,00,000 रुपए कमाने के लिए रेडी है पर डे? डू यू रेडी? इफ यस, यू कैन डू इट। अगर आप सोचते हैं नो,
आप नहीं कर सकते। आप जो सोचते हैं वही कर पाएंगे दोस्तों, जो आप सोचते हैं वही बन जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि यस मैं कमा सकता हूं, जब रोशन जी कमा सकते हैं, संत घर पांडे कमा सकते हैं, मुरली मोहन कमा सकते हैं, महेंद्र जायकर कमा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? जब हर इंसान कमा सकता तो आप भी कमा सकते हैं। जरूरत है टिके रहने की, जरूरत है लगे रहने की। लोग कुछ भी बोले, कुछ भी बकवास करे, सुनना नहीं है। घोड़े की तरह दोनों तरफ पट्टी बांधी और लग जाइए, यकीन मानिए आप भी कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।